मंडी के विपाशा सदन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए मंडी में एबीवीपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं और सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बाजारों में चंदे के माध्यम से धन संग्रह कर रहे हैं ताकि सम्मेलन के आयोजन में धन की कमी आड़े न आए। एबीवीपी मंडी इकाई के मीडिया प्रमुख दीक्षित पठानिया ने कहा कि एबीवीपी छात्रों की समस्याओं को उठाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। उन्होंने बताया कि मंडी के विपाशा सदन में 10, 11 और 12 अगस्त को एबीवीपी का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के एबीवीपी कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है पूरे वर्ष भर जो है महाविद्यालय के अंदर जो है अनेक से कार्यक्रम कराती रहती है। तो जो है हम चाहे कोई लड़की बीमार हो या किसी प्रकार का सामाजिक तौर पर कहीं कोई गांव जला हो उसके लिए भी धन संग्रह करते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो है एक जैसा कि आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है। तो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उसका जो धन संग्रह है वो एक हमारी जो है वो एक नींव है, ठीक है जी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है 10, 11, 12 तीन दिवसीय सम्मेलन जो है विपाशा सदन में करवाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता जो हैं इस हमारे मंडी शहर के अंदर जो है जितने भी जैसे कि भूतनाथ है या मार्केट है या जहाँ भी मतलब कि जिस भी हर एक जगह से जो है धन संग्रह कर जो है अपनी जो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है समय समय पर जो है ऐसे कार्यक्रम करती रहती है और करवाती रहती है।